तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मार्वल की एक और फेमस कॉमिक सिविल वॉर 2 को। ये कॉमिक बुक स्टोरी साल 2016 में रिलीज हुई थी और इसके अंदर टोटल 9 इश्यूज को लॉन्च किया गया था, लेकिन हम इस कॉमिक की पूरी कहानी को टोटल 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस कॉमिक की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं नहीं चाहता कि इसे लंबा खींचने की वजह से आप इसे बोर महसूस करें, इसीलिए मैं इसकी पूरी कहानी को 4 वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। इसके अलावा एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल सिविल वॉर 2 सिविल वॉर 1 के आगे की स्टोरी नहीं है, बल्कि इस कॉमिक की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। तो ये अब बिना देर किए इस कमाल की कॉमिक बुक स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ की मेंबर्स को जान लेते हैं ताकि हम इस कॉमिक की स्टोरी को सही तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल एक ऐसी सुपर हीरो है जिसे उसकी पावर्स स्पेस स्टोन के जरिए मिली है और अभी के टाइम पर ये अल्फा फ्लाइट की लीडर है और पूरे अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। नेक्स्ट है वॉर मशीन यानी कि कर्नल जेम्स रोड्स। वॉर मशीन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और इसके अलावा इन्हें फ्लाइंग डिवीजन में यूएस मरीन की पोस्ट भी दी गई है। नेक्स्ट है शी हल्क। शी हल्क हल्क की कजन है और प्रोफेशन से ये एक लॉयर है। और आखिर में इनह्यूमंस बेसिकली वो ह्यूमंस हैं जिनके ऊपर क्री ने सालों पहले एक्सपेरिमेंट कर दिया था, और उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से जब भी कोई इनह्यूमन टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आता है तब उसके अंदर कुछ यूनिक पावर्स आ जाती है। और क्योंकि वो ह्यूमंस से अलग है इसीलिए इनह्यूमंस ह्यूमंस के साथ नहीं रहते बल्कि वो सभी एक अलग शहर में रहते हैं, एक ऐसा शहर जिसे इनह्यूमंस के लिए बनाया गया है और उस शहर का नाम है एटलियन। तो अब इन सारी बातों को जानने के बाद आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ओलेसिस नाम का एक लड़का अपनी क्लास की एक लड़की से डेट के लिए पूछने जा रहा होता है। और जाते हुए रास्ते में वो अपने आप से कहता है, कमॉन ओलेसिस, आज तो उसे पूछ ही ले, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेगी ना, लेकिन तू ट्राई तो कर। और फिर वो अपनी क्लास की लड़की के पास पहुंचता है जिस लड़की का नाम मिशेल होता है। वहां पहुंचकर ओलेसिस मिशेल से बातचीत शुरू ही करता है कि तभी उसे और उसके दोस्तों को आसमान में टेरिजन क्लाउड दिखता है जिसे देखकर वहां के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। टेरिजन क्लाउड को देखकर मिशेल कहती है, वाओ टेरिजन क्लाउड सच में होता है, इनह्यूमन सही में है, सोचो अगर हमारे बीच भी कोई इनह्यूमन निकला तो। पर ये सुनकर ओलेसिस कहता है, ओ गॉड मुझे तो लगा था ये सब सिर्फ अफवाह है, पर ये सब तो सच है। इसके बाद वो टेरिजन क्लाउड वहां से होते हुए आगे निकल जाता है, पर उसी दौरान मिशेल ओलेसिस से कहती है, मुझे कुछ फील हो रहा है, क्या तुम्हें भी हो रहा है? जिस पर ओलेसिस कहता है, हाँ मुझे भी कुछ फील हो रहा है। सभी बच्चे उस टेरिजन क्लाउड को जाते हुए देखते हैं और फिर उसके जाने के बाद जैसे ही वो लोग पीछे देखते हैं वैसे ही उन्हें वहां पर इनह्यूमंस के दो ककून दिखते हैं। जो ककून होता है ओलेसिस और मिशेल का, यानी कि ओलेसिस और मिशेल दोनों ही इनह्यूमंस थे और अब इन दोनों की इनह्यूमन पावर्स एक्टिवेट होने वाली है। इसके बाद दूसरी तरफ हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर के अंदर सभी चीजों की रिपोर्ट चेक कर रही होती है। ये अल्टीमेट्स एक टास्क फोर्स टीम है जिसे कैप्टन मार्वल ने क्रिएट किया है और इसीलिए वो खुद ही इस टीम को ऑपरेट करती है। और अपनी इस अल्टीमेट्स टीम के जरिए कैप्टन मार्वल दुनिया में होने वाले सभी तरह के डिजास्टर्स और अनजान एलियन इन्वेजन्स के ऊपर ध्यान रखती है। यहीं पर एजेंट्स कैप्टन मार्वल को बताते हैं कि सब जगह शांति है और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर डॉक्टर सैमसन जो कि कैप्टन मार्वल के पुराने दोस्त होते हैं वो कैप्टन मार्वल से मिलने आते हैं। यहाँ पर बातचीत के दौरान डॉक्टर सैमसन कैप्टन मार्वल से पूछते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कैरल, कि तुम्हारी ये अल्टीमेट्स अब कोई डिजास्टर होने से पहले उसे रोकना चाहते हैं। ये बात सुनकर कैप्टन मार्वल बोलती है, मैं आपको समझाती हूँ डॉक्टर, मेरी एक कजन है और उसके दो बच्चे हैं, उसके बच्चे अभी काफी छोटे हैं और इसीलिए जाने अनजाने में वो हर रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जैसे ही मेरी कजन अपने बच्चों से ध्यान हटाती है वैसे ही वो दोनों चाकू और कैंचियों से खेलने लगते हैं और जैसे ही वो ये सब देखती है वैसे ही उसे भागकर उन सबके हाथों से वो छीनना पड़ता है। डॉक्टर यूं समझ लीजिए मेरी कजन हर रोज ही किसी न किसी डिजास्टर को अवॉइड करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना डॉक्टर, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई डिजास्टर हो और उसके बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, इसीलिए उसे हर रोज ही पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है। पर ये बात सुनकर डॉक्टर सैमसन बोलते हैं, पर कैरल ये तो हम सबके साथ होता है। जिसे सुनते ही कैप्टन मार्वल बोलती है, हाँ डॉक्टर वही तो, हम हर दिन ही ऐसे डिजास्टर का सामना करते हैं, लेकिन सोचिए डॉक्टर अगर हम ऐसे किसी डिजास्टर को होने से पहले ही रोक दे तो तब कितना बढ़िया होगा डॉक्टर, कोई डिजास्टर होगा ही नहीं और मैं इस बारे में काफी टाइम से सोच रही हूँ। डॉक्टर सैमसन से बातचीत करते हुए आगे कैप्टन मार्वल बोलती है, मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि अगर हम किसी तरह से आने वाले खतरे को ही टाल दे तो सब कुछ कितना बढ़िया हो सकता है। इसके बाद हम एक बार फिर से ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहाँ पर ओलेसिस और मिशेल के ककून में बदलने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और उस जगह की कवरेज करने लगते हैं। फिर इसके तुरंत बाद ही एक ककून टूटता है और उसके अंदर से ओलेसिस बाहर आता है। ओलेसिस को बाहर देखते ही सारे मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उससे ये सवाल जवाब करने लगते हैं कि वो कौन है और वो उस ककून के अंदर कैसे गया। मीडिया के सवाल जवाब चल ही रहे होते हैं कि तभी मिशेल का ककून भी टूटता है, पर मिशेल पूरी तरह से बदल चुकी थी, वो एक लाल रंग की डीमन बन चुकी थी
एक बिल्कुल ही अलग तरह की इनह्यूमन, और ककून से बाहर आते ही वो वहाँ से दूर चली जाती है। पर इसी टाइम पर उलेसिस की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पर फिर जैसे ही वो खड़ा होकर सामने देखता है, वैसे ही उसे अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखता। ओलेसिस के आगे एक भी आदमी नहीं होता, अगर कुछ होता है तो सिर्फ तबाही। ओलेसिस अपने चारों तरफ देखता है और फिर तब उसे दिखता है कि उसका पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। वो नजारा देखने के बाद ओलेसिस बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते ओलेसिस एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर बहुत ज्यादा थकने की वजह से वो एक पेड़ को पकड़ लेता है और थोड़ी देर आराम करने लगता है। पर तभी ओलेसिस को कोई पीछे से बुलाता है, और जब ओलेसिस पीछे देखता है तब उसे वहां पर सारे इनह्यूमंस दिखते हैं, जिनके साथ उनकी रानी मेड्यूसा भी होती है। मेड्यूसा ओलेसिस से कहती है, मेरा नाम मेड्यूसा है और मैं इन सारे इनह्यूमंस की रानी हूँ, और मैं जानती हूँ तुम अभी डरे हुए हो, पर हम पर भरोसा करो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। इसी के दूसरी तरफ मैनहट्टन शहर के अंदर हम कुछ एवेंजर्स को देखते हैं, जिनमें आयरन मैन, माइल्स मोरालिस का स्पाइडरमैन, सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, कमाला खान की मिस मार्वल और नोवा को देखते हैं। वो सभी एवेंजर्स बहुत बुरी हालत में होते हैं, पर तब भी वो सब एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ मिलकर किसी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे ही उनके सामने दिखाया जाता है, वैसे ही हमें पता लगता है कि उन सभी के सामने एक बड़ा सा सेलेस्टियल जाइंट होता है, जो कि मैनहट्टन शहर के अंदर सब कुछ बर्बाद कर रहा होता है। यहीं पर आयरन मैन सबसे कहता है, ओके गाइस, बस प्लान को फॉलो करो और इस चीज का सामना करो। इसके बाद ही वहाँ पर माइटी थॉर भी आ जाती है, और उसके पीछे पीछे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एवेंजर्स टीम के अलावा सभी एक्समैन, डिफेंडर्स और यहाँ तक कि इनह्यूमंस भी आ जाते हैं, और वो सारे सुपर हीरोज मिलकर उस सेलेस्टियल जाइंट से लड़ने लगते हैं। इसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर अपने जादूगरों की पलटन के साथ आते हैं, और वहाँ आते ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टीम के साथ मिलकर डायमेंशन रिवर्सल का स्पेल कास्ट करते हैं, और जैसे उनका स्पेल कास्ट होता है, वैसे ही उस सेलेस्टियल जाइंट के आसपास का डायमेंशन चेंज हो जाता है, जिससे वो सेलेस्टियल जाइंट वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टीम के साथ चैन की सांस लेते हैं और सभी को बताते हैं कि वो सेलेस्टियल जाइंट अब जा चुका है और मैंने उसके वापस आने का रास्ता भी बंद कर दिया है। इसके बाद वो दिन बीत जाता है, और अगले दिन टोनी स्टार्क सेलेस्टियल जाइंट को हराने की खुशी में सभी सुपर हीरोज के लिए स्टार्क टावर के अंदर पार्टी रखता है। पार्टी में टोनी स्टार्क एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और सभी से कहता है, दोस्तों कल अगर इनह्यूमंस ना आते तो हम तो जीत ही नहीं पाते, इसीलिए आज की शाम इनह्यूमंस के नाम। आगे टोनी स्टार्क बोलता है, इनह्यूमंस थैंक यू ब्रोस, अगर कल तुम लोग हमें टाइम से वार्निंग ना देते तो शायद हम सब उस सेलेस्टियल जाइंट को हरा भी नहीं पाते। हम सबकी तरफ से शुक्रिया दोस्तों। इसके बाद सारे सुपर हीरोज पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, पर फिर तभी कैप्टन मार्वल मेड्यूसा के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें कल के बारे में सब कैसे पता लगा कि ये सब होने वाला है? जो सुनकर पीछे से टोनी स्टार्क कहता है, ये मैं भी यही पूछने वाला था। कैप्टन मार्वल का सवाल सुनने के बाद मेड्यूसा सभी को करीब आने के लिए कहती है, और फिर वो ओलेसिस को सामने बुलाती है और सभी सुपर हीरोज को ओलेसिस से मिलवाती है। मेड्यूसा सबसे कहती है, तुम सबको थैंक्स बोलना है तो मुझे नहीं, ओलेसिस को बोलो, क्योंकि कल की हमारी जीत इसी की वजह से पॉसिबल हुई है। सभी हीरोज को देखकर ओलेसिस कहता है, हाय, मैं आप सबका फैन हूँ, मैं आप सबको जानता हूँ। तभी स्टीव रॉजर्स ओलेसिस से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कल वो सब होने वाला है, जरा बताओगे हम सबको? ये सवाल सुनकर ओलेसिस कहता है, मैंने ये सब होते हुए देखा था। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल कहती है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम फ्यूचर देख सकते हो? ये बात सुनकर ओलेसिस बोलता है, मैं नहीं जानता, मैं आपको समझा नहीं सकता, मैंने तो बस जो देखा वो आपको बताया। इसके बाद ही एवेंजर्स वहाँ पर जीन क्रे को बुलाते हैं और जीन से कहते हैं कि वो ओलेसिस के दिमाग को पढ़कर हम सबको ये बताओ कि ओलेसिस को फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में कैसे पता लगता है। जीन ओलेसिस को अपने सामने बिठाती है और ओलेसिस से बातचीत करते हुए उसके सर के ऊपर हाथ लगाती है, पर कुछ ही टाइम में जीन ग्रे सबको बताती है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जो करना है वो मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इसके दिमाग के अंदर नहीं झांक सकती, इसके दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता। ये बात सुनकर सभी हीरोज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जीन ग्रे किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी, बट ओलेसिस का दिमाग पढ़ना उसके लिए भी इम्पॉसिबल था। इन सारी बातों के बाद कैप्टन मार्वल ओलेसिस के पास जाती है और उसे ऑफर देती है कि वो उसकी अल्टीमेट्स की टीम को ज्वाइन कर ले, ताकि ओलेसिस की मदद से कैप्टन मार्वल किसी भी मुसीबत को आने से पहले ही रोक पाए। बट ये बात सुनकर टोनी स्टार्क थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कैप्टन मार्वल से कहता है, तुम मजाक कर रही हो है ना? पर कैप्टन मार्वल उससे कहती है, क्यों, इसमें दिक्कत ही क्या है? जो सुनकर टोनी स्टार्क कहता है, हम सबके बीच एक इनह्यूमन है, जिससे आज से पहले ना तो हम सब मिले हैं और ना ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं, इसका दिमाग भी कोई नहीं पढ़ सकता है और ये हमें फ्यूचर बताता है, क्यों, यही बात है ना? कम ऑन गाइज, हम इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। इसी के आगे टोनी स्टार्क कैप्टन मार्वल से कहता है, तुम्हारे पास एक इनह्यूमन है जो कि तुम्हें फ्यूचर बताता है, लेकिन उस फ्यूचर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, है ना? सही बताऊं तो मुझे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इसकी पावर्स की प्रोबेबिलिटी ठीक नहीं लग रही। टोनी की बातों को सुनकर रोडी उसके पास आता है और टोनी से कहता है, टोनी जो उसने कल देखा वो होने वाला था। पर रोडी की बात सुनकर टोनी स्टार्क कहता है, हाँ पर वो हुआ नहीं, हमने उसे होने से पहले ही रोक दिया, इसीलिए ये कोई फ्यूचर नहीं था, जरा सोचो इस बारे में। पर टोनी स्टार्क की बातों को सुनकर कैप्टन मार्वल बोलती है, देखो मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर इससे लोगों की जान बचती है तो ये बिल्कुल ठीक है। टोनी स्टार्क फिर से ओलेसिस से उसके बारे में पूछता है
जिस पर उलेसिस उसे बताता है कि उसे अपनी पावर्स के बारे में कुछ दिन पहले ही पता लगा है। उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक इनह्यूमन हूँ, पर जब मैं टेरिजन मिस के कॉन्टेक्ट में आया तब से ही मेरे अंदर यह बदलाव आया है। इसके बाद ही उलेसिस की आंखें लाल हो जाती है और वो अपने बीते टाइम को याद करता है, जिसमें वो देखता है कि वो एक जंगल के अंदर भाग रहा था और जब वो भागते भागते थक गया तब उसे इनह्यूमंस की रॉयल फैमिली मिली जो उसे अपने साथ एटलियन ले गए और उसे अपनी पावर्स के ऊपर फोकस करना सिखाया। और फिर तब मैंने देखा कि पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, हर तरफ सिर्फ बर्बादी थी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया क्योंकि आप सबने मिलकर वैसा होने से रोक दिया और इसीलिए आप सबका थैंक्स। इन सारी बातों के बाद टोनी स्टार्क सबसे कहता है, अच्छा चलो मान लेते हैं कि एक दिन ये लड़का हमारे पास आता है और हम सबसे कहता है कि हल्क का एक बच्चा हुआ है जो कि बिल्कुल ही हिटलर की तरह है और पूरी दुनिया में मार काट करता फिर रहा है, तो अब मुझे बताओ कि क्या इसके लिए हम लोग हल्क को जेल में डालेंगे, बताओ मुझे। आगे टोनी स्टार्क सबसे कहता है, कल कॉस्मिक जायंट आया, हम सबने मिलकर उसका सामना किया और उसे अपनी दुनिया से दूर भगा दिया। लेकिन अब इसके आगे क्या अगर कल को उलेसिस ये बोलता है कि कैप्टन मार्वल हमारे फ्यूचर के लिए खतरा है तो क्या हम सब तुम्हें जेल में डाल देंगे बिना सोचे समझे कि ये चीज हो भी सकती है नहीं। पर कैप्टन मार्वल टोनी स्टार्क से कहती है, टोनी मुझे लगा था तुम फ्यूचरिस्टिक हो, तुम आगे की सोचते हो। लेकिन टोनी जवाब देता है, हाँ मैं फ्यूचरिस्टिक हूँ और मैं फ्यूचर की इज्जत भी करता हूँ। और फिर ये बोलकर टोनी स्टार्क अकेला साइड में खड़ा हो जाता है। इसके बाद 3 हफ्ते बीत जाते हैं, पर उसके बाद एटलियन शहर के अंदर उलेसिस अपने कमरे के अंदर सो रहा होता है, पर तभी वो चिल्लाते हुए जाग जाता है क्योंकि उसने एक भयानक सा नजारा देखा होता है। उलेसिस जोर जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज को सुनकर कुछ इन्ह्यूमंस वहां पर आ जाते हैं। मेड्यूसा इलोसिस को गले लगा लेती है और उसे शांत रहने के लिए बोलती है। मेड्यूसा उलेसिस से पूछती है कि तुमने क्या देखा, जो सुनकर उलेसिस मेड्यूसा से कहता है, आप अल्टीमेट्स को बुलाइए, प्लीज जल्दी बुलाइए। इस घटना के कुछ दिनों बाद हम टोनी स्टार्क को उसके लैब के अंदर देखते हैं जो कि अपने आर्मर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर उसी टाइम पर उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और वो टोनी स्टार्क को बताती है कि उसका दोस्त रोडी अब मर चुका है। ये बात सुनते ही टोनी स्टार्क शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो अपना आर्मर पहनता है और वहां से सीधा अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर पहुंचता है। वहां पर आते ही उसे मारिया हिल दिखती है, जिसे देखकर टोनी स्टार्क रोते हुए उससे पूछता है, कहां पर है रोडी। और फिर मारिया हिल उसे रोडी के रूम तक ले जाती है जिस रूम के अंदर रोडी की लाश पड़ी होती है। रोडी की लाश के बगल में एक टेबल के ऊपर रोडी का आर्मर पड़ा होता है जो कि अब कई हिस्सों में टूट चुका था। उस आर्मर को अपने हाथ में उठाकर आयरन मैन बोलता है, ये नहीं हो सकता, ये आर्मर मैंने बनाया था, इस आर्मर को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, ये सब कैसे हुआ बताओ मुझे। ये सुनकर मारिया हिल बोलती है, कैप्टन मार्वल ने एक टीम बनाई थी। पर वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आयरन मैन कैप्टन मार्वल का नाम जोर जोर से चिल्लाता है और उसे अपने पास आने के लिए कहता है। और फिर पूछने पर उसे पता लगता है कि कैप्टन मार्वल आईसीयू के अंदर है। आयरन मैन फिर जैसे ही आईसीयू के अंदर जाता है वैसे ही वो देखता है कि शी हल्क बेड के ऊपर पड़ी हुई है और उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी है और उसी के बगल में कैप्टन मार्वल भी बैठी है और उसकी हालत भी बहुत बुरी है। शी हल्क को इस हालत में देखकर आयरन मैन कैप्टन मार्वल से पूछता है, क्या जेनिफर ठीक है, जिस पर कैप्टन मार्वल उसे बताती है, हाँ वो भी ठीक है लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है, पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो श्योर नहीं है कि जेनिफर अब कभी चल भी पाएगी या नहीं। आगे टोनी स्टार्क कैप्टन मार्वल से पूछता है, आखिर हुआ क्या है बताओगी, जिस पर वो आयरन मैन को बताती है ये सब थैनोस ने किया है। और फिर आगे वो आयरन मैन को बताती है, थैनोस को लग रहा था कि हमारे पास कॉस्मिक क्यूब है इसीलिए वो हमारे ऊपर हमला करने वाला था, पर हमें पता था कि वो कहाँ है और इसीलिए हमने उसके ऊपर छुपकर हमला किया लेकिन उसने हम सबकी ये हालत कर दी। पर ये सुनकर आयरन मैन कहता है, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता लगा कि थैनोस कहाँ है। पर कैप्टन मार्वल कोई जवाब नहीं देती और उसे अभी भी वो सारी बातें याद आ रही होती है कि कैसे थैनोस ने उसके साथियों की ये हालत कर दी। आगे कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है, टोनी तुम्हें वो इनह्यूमन याद है, उलेसिस वो हमारे पास आया था और उसी ने हमें ये सब बताया था। पर आयरन मैन ये सब सुनने के बाद कहता है, मुझे कोई इनह्यूमन याद नहीं है, तुमने मेरे दोस्त की जान ली है, तुमने मारा मेरे दोस्त को। पर ये सुनकर कैप्टन मार्वल खड़ी होती है और बोलती है, रोडी सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था टोनी, वो मेरा भी दोस्त था, पर वो एक सोल्जर भी था और उसकी मौत जंग लड़ते हुए हुई है और हाँ इस मिशन के लिए वो खुद शामिल हुआ था। पर आयरन मैन बोलता है, मैंने मना किया था तुम लोगों को, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। ये सुनकर कैप्टन मार्वल उससे माफी मांगती है और फिर इसके आगे कैप्टन मार्वल बोलती है, रोडी के साथ जो भी हुआ मुझे उस बात का बहुत दुख है लेकिन हाँ मैं ये दोबारा करूंगी। पर आगे आयरन मैन उससे पूछता है कि इस वक्त थैनोस कहाँ है, जिस पर वो उसे बताती है कि अभी उन्होंने थैनोस को नीचे सेल के अंदर बंद कर रखा है। ये सुनते ही आयरन मैन वहां से निकल जाता है। आयरन मैन को वहां से निकलते हुए देखकर कैप्टन मार्वल उसके पीछे जाने लगती है, पर तभी शी हल्क उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम्हें लड़ना होगा कैरल, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, लड़ो। और फिर ये बोलते ही शी हल्क मर जाती है और इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों यही मार्वल सिविल वॉर 2 के पार्ट 1 की स्टोरी थी। आपको ये स्टोरी और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।